हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वाचिंग केसू एंटरटेनमेंट चैनल इन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों को कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द से मुक्ति के लिए एक रामबाण घरेलू उपाय या घरेलू जुगाड़ कहिए बताऊंगा मैं, जो अजमाया हुआ है, बहुत लोगों के ऊपर अजमाया हुआ है। घर में तो साधारणतया सभी के यहाँ प्लास्टिक की चेयर मिल जाती है, 90 डिग्री वाली, यानी थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए चेयर, पीछे की तरफ लेटी नहीं होनी चाहिए। और ये बैठने के प्लास्टिक के ये पीढ़े पुले या पाटा बोले, ये भी घर में साधारणतया मिल जाते हैं। तो अपनी हाइट के हिसाब से दो चेयर हो या तीन चेयर हो या चार चेयर हो, जैसा वो हाइट हो उसके हिसाब से एक के ऊपर एक चेयर को जमाएंगे। और जमाने के बाद में इसके ऊपर में एक सूती वाला कुशन रख देंगे, क्योंकि उस कुशन के ऊपर में एक पीढ़ा रखना है अपन को, और पैरों में आधार मिले इसलिए नीचे भी एक पीढ़ा रहेगा, पाटा रहेगा। देखिए ऐसा चेयर जमाते हैं, तीन चेयर जमाए यहाँ, और ऊपर में ये पैर पोछने का कुशन रख दिए। ये इसलिए रखे हैं ताकि स्लिप ना हो, ये पीढ़ा स्लिप ना हो। और पैरों के आधार के लिए एक पीढ़ा नीचे दिया हुआ है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो एक चेयर और जमा सकते हैं, तीन के जगह चार। आपकी हाइट और भी कम है तो दो चेयर जमाएं, फिर कुशन लगाएं, इसके बाद में एक पीढ़ा ऊपर और एक पीढ़ा नीचे। यानी बैठक ऐसी होनी चाहिए कि रिलैक्स होकर पीछे टिक कर बैठना, और नीचे जो पीढ़ा है उसमें आपके पैर पहुंचने चाहिए, वो भी रिलैक्स होकर आपके पैर नीचे के पीढ़े में जमे हैं, और आपकी बैठक टिक कर बैठने की ज़रूरत है। आपको पीछे टिक कर बैठने की ज़रूरत है। अभी मैं इनको बोलूँगा तो पीछे टिक कर बैठेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि आधे घंटे में जो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, खिंचाव था, जो दवा गोली खाने से भी अच्छा नहीं हुआ, एसजीपायरिन हो या और भी दूसरी दवा गोली खाने से, ये आधे घंटे में ही आपका दवा आपका दर्द हमेशा के लिए निकल जाता है। आप खुद ही आश्चर्य करेंगे, अरे ये कैसा हुआ, अभी तो दर्द था, मुझे झुकते नहीं बन रहा था, उठते नहीं बन रहा था, काँकने का मन करता था, ज़्यादा काम करने की वजह से, कोई भारी सामान उठाने की वजह से इस तरह के दर्द हो जाते हैं, जो हमारी माता बहनों को, भाभियों को या दादाजी को, बुज़ुर्गों को बहुत परेशान करते हैं। आप यकीन मानिए, आप मुझे कमेंट करके थैंक यू कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही आपको या आपके परिवार को किसी को तकलीफ़ हो, आजमाएं और तुरंत मुझे कमेंट करें, मेरा थैंक यू अदा करें। और आप लोग अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है केसू, KCSSU इंटरटेनमेंट। देखिए आधा घंटा बैठना है आपको, ये पीढ़े को निकाले, ये कुशन को निकाल लिए, अरे तीन चेयर है इसे निकाल लीजिए। घर घर में रहते हैं और बहुत ही सस्ता, सुलभ, फोकट का इलाज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस काम की वीडियो।